यस, आज हम शुरुआत करेंगे अपने विषय की एक कहानी से। ठीक है, एक कहानी सुनेंगे आंटी से और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, किस चीज की कहानी? कहानी है आज एक नदी की। किसकी कहानी है? नदी की। अच्छा, कभी कभी हम लोग नदी को या नदी को के लेकर अगर हम एक कहानी शुरू करते हैं तो उसको सोच के चलो कि एक छोटी सी लड़की है ना, नदी को एक छोटी सी लड़की मानकर चलते हैं। ठीक है, और दोनों को साथ साथ देखेंगे, नदी को भी और उस लड़की को भी। अब पहाड़ों, नदी कहाँ से निकलती है? पहाड़ों। तो नदी जब पर्वतों में से निकलनी शुरू हुई, हाँ, एक नदी थी, उसने पर्वतों से निकलना शुरू किया। बहुत पतली सी धारा के रूप में वो नदी निकली। बहुत पतली सी धारा यानी कि बहुत छोटी सी लड़की। ठीक, अब बहुत पतली सी धारा बन के वो नदी निकली। हम इस नदी का एक नाम रखते हैं, इस नदी को बुलाते हैं पायल के नाम से। ठीक है, नदी का नाम क्या था? पायल। और कभी देखा है पहाड़ों से जब कहीं पानी जब गिरता है कैसे आवाज आती है? छन 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 करके आवाज आती है। पानी की आवाज कैसे आती है? छन 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 करके आवाज आती है। तो अब ऐसे ही वो नदी जो है छन छन की आवाज करते हुई पहाड़ों से निकलने लगी। जैसे ही वो निकली तो उसने सोचा कि अब तो मुझे रास्ता मिल गया है और अब मैं सारी दुनिया घूमूंगी, बहुत दूर तक जाऊंगी, सारी दुनिया को देखूंगी, खूब मजा आएगा, है ना? अब किसी छोटी लड़की को हम छोड़ देते हैं कि जाओ बेटा जहाँ जाना है जाओ, तो वो क्या करेगी? दौड़ के इधर उधर घूमेगी, आज तो हम यहाँ जाएंगे, आज तो हम वहां जाएंगे। ऐसे ही उस नदी ने भी सोचा कि अब तो मैं सारी दुनिया घूमूंगी। ऐसा सोच के वो खूब खुशी से, खूब जोश से, खूब उत्साह से, खूब तेजी से निकलने लग गई, आगे बढ़ने लग गई पहाड़ों से। अब जब वो पहाड़ों से उतरने लगी खूब तेजी से, कैसे उतर रही थी? खूब, कैसे उतर रही थी? खूब तेजी से, छन छन की आवाज करते हुए खूब तेजी से, खूब जोर से, जोश से, उत्साह से, खुशी से आगे बढ़ने लगी। तो और नदी के दोस्त थे, और नदी जहां से निकली वहां पर उसके कुछ दोस्त थे। कौन से दोस्त थे? पहाड़ भी दोस्त होते हैं और वहां के पेड़ भी दोस्त होते हैं, पत्थर भी दोस्त होते हैं, और जो पहाड़ों पे मिट्टी होती है वो भी सब उसके दोस्त होते हैं। तो क्या हुआ कि जब वो चलने लगी तो जो क्या होता है जब हम लोग कहीं जाते हैं तो हमारे दोस्त हमको बाय बाय करते हैं, ऐसे ही उस नदी के दोस्त जो थे, जो पेड़ थे, वो उसको ऐसे ऐसे हिल हिल के क्या करने लगे? बाय करने लगे। बाय पायल, बाय पायल, है ना? पेड़ हिलता तो कैसे हिलता? ऐसे ऐसे हिलता, बाय पायल, बाय पायल। तो उसने वो भी टाटा करती हुई आगे बढ़ती रही। फिर पहाड़ों ने देखा, अरे ये तो पायल जा रही है। पहाड़ों ने कहा, अरे पायल रुको, कहाँ जा रही हो, है ना? अरे पायल रुको, कहाँ जा रही हो? पायल ने बोला, मैं तो अब जा रही हूँ दूर घूमने जा रही हूँ, सारी दुनिया को देखूंगी, मैं तो घूमने जा रही हूँ। पहाड़ों ने कहा, हमें भी ले चलो, हम भी घूमेंगे तुम्हारे साथ। तो उसने कहा, पायल ने, अच्छा चलो, मुझे क्या है, चलो हम दोनों मिलकर चलते हैं। तो पहाड़ों के पत्थर जो है वो नदी के साथ हाथ पकड़कर चले गए, नदी के साथ वो भी चलने लग गए, मिल गए नदी के साथ। अब क्या हुआ, नदी और नदी में पत्थर और सब मिलकर आगे बढ़ने लग गए। और नदी क्या थी, वो तो खूब तेजी से गिरती जा रही थी, गिरती जा रही थी, चलती चली जा रही थी, आगे चट्टान आती तो उसको भी वो पार कर जाती थी, है ना? खूब उसकी गति इतनी तेज थी कि वो खटाक से पर्वतों को पार करके अपना रास्ता बनाती हुई झर 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 नीचे उतरती जा रही थी। लेकिन पत्थरों का क्या हाल था? पत्थरों को यहाँ चोट लग रही है, यहाँ चोट लग रही है, लग रही है ना, पहाड़ों से, चट्टानों से टकरा टकरा के बेचारे
पत्थर भी चोट खाते चले जा रहे हैं, यहाँ पर भी चोट लग रही है, यहाँ पर भी चोट लग रही है, घिसते चले जा रहे हैं, घिसते चले जा रहे हैं पानी के साथ और नदी के साथ, फिर भी बेचारे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या हुआ, बहुत सालों तक नदी जो है पहाड़ों पर चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही, पहाड़ों से नीचे उतरती रही। फिर क्या हुआ, फिर वो नीचे पहाड़ों से नीचे उतर आई, इन पत्थरों के साथ पहाड़ों के नीचे उतर आई। जब पहाड़ों से नीचे उतर आई तो उस क्या हुआ, उसको इतनी ढाल नहीं मिली। पहाड़ से नीचे उतरने पर इतनी ढाल होती, पहाड़ से उतरेंगे तो कैसे झड़ उतर जाते हैं, लेकिन जब नीचे, ये देखो ये पहाड़ी, ये पहाड़ नहीं है ना, यहाँ पर इतनी ढाल नहीं है, तो क्या होगा, वो इतनी तेजी से नहीं उतर पाएगी। और हुआ क्या था कि इतनी दूर चलते चलते पहाड़ों पर से, इतनी दूर का सफर उसने तय किया था, इतने सालों से वो चल रही थी, तो क्या हुआ, वो अब थक गई थी। अब वो नदी जो है इतना थक गई थी कि अब वो बहुत, उसकी रफ्तार कम हो गई थी, उसकी गति कम हो गई थी और वो इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो उसने क्या किया, पत्थरों से बोला कि दोस्तों अब मैं तुम्हें अपने साथ और आगे नहीं ले जा सकती हूँ, क्योंकि मैं भी अब थक चुकी हूँ, मेरे को, मैं अपने आप को ही नहीं आगे खींच पा रही हूँ, मैं तुमको कैसे खींचूंगी। पत्थरों को तो घसीटना पड़ता है ना, पत्थरों को घसीटना पड़ता है, दम लगती है, ताकत लगती है, अब उसमें उतनी ताकत नहीं बची थी क्योंकि वो थक गई थी। पत्थरों ने भी कहा, हाँ पायल हम भी बहुत थक गए, हमें भी बहुत चोट लग चुकी है, अब हम भी आराम करना चाहते हैं, हम भी अब आगे नहीं जा पाएंगे, हमें भी तुम यहीं पर छोड़ दो। होता है ना, कभी साथ में चल रहे हो, बहुत ज्यादा थक गए, भैया तुमको जाना है आगे जाओ, हम तो थक गए, हम तो यहीं रुकेंगे। ठीक है, पत्थर वो वहीं पर रुक गए, बड़े बड़े पत्थर जो थे वो वहीं रुक गए। उसके बाद नदी जो है, नदी ने कहा, पायल ने कहा अच्छा ठीक है, उनको छोड़कर वो आगे बढ़ चली, आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, जो छोटे छोटे पत्थर, जो छोटे छोटे कंकड़ रह भी गए थे वो भी घिसकते घिसकते क्या हो गए, रेत बन गए। क्या बन गए, घिस घिस के एकदम रेत बन गए, वो भी रेत बन गए। और नदी भी आगे जाकर बहुत चौड़ी हो गई। कैसे चौड़ी हो गई, जब एक छोटी सी, जब एक लड़की होती है, फिर वो बड़ी होती है, बड़ी होती है और बड़ी होती है। अपनी मम्मियों को कभी देखा है, अब जैसे मम्मी पहले छोटी हुआ करती थी तो कैसे होती थी, पतली दुबली होती थी, उसके बाद जब बड़ी हो जाते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो हम लोग, हमारा शरीर चौड़ा होता चला जाता है। ऐसे ही नदी इतने सालों से चल रही थी और वो अब बड़ी भी हो गई थी, अब वो पहले छोटी सी थी, अब वो बड़ी हो रही थी, उसकी उम्र बढ़ रही थी, तो अब क्या हो रहा था, उसका शरीर भी बढ़ने लगा था और उसके इतनी ताकत नहीं रही थी। छोटे बच्चे होते हैं, कोई चीज नाला आया फटाक से कूदा, और लेकिन बड़े लोग कूद पाते हैं, बड़े लोग तो घूम के जाएंगे लेकिन उसको नहीं जंप करेंगे, उसको नहीं कूदते है ना। तो ये छोटे और बड़े में फर्क होता है, छोटे बच्चे फटाक से कूद कर और वो थकते नहीं है, जब छोटे होते हैं तो कोई बच्चा थकता है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं वो बहुत थक गए, अब थोड़ी देर आराम कर ले, होता है नहीं होता है ना। तो हम लोग, मम्मी क्या इतनी जल्दी थक जाती है, देखो हम भी तो सारा दिन काम करते हैं, हम तो नहीं थकते। लेकिन नदी क्या थी, वो बड़ी हो गई थी, उसका शरीर चौड़ा हो गया था और अब उससे चला नहीं जा रहा था, वो थक गई थी। अब उसके हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, क्या मैं और कैसे चलूं, कैसे चलूं। और जो पत्थर, जो रेत बन गए थे, अब वो क्या हो गया, रेत यहाँ पर इकट्ठी होना शुरू हो गई और रेत इतनी उसमें ताकत नहीं बची थी कि वो इस रेत को भी पार करके आगे बढ़ जाए। रेत को भी पार करना पड़ता है ना, रेत ही उसका रास्ता नदी का रोकने लग गई थी और नदी की इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो उसको पार करके आगे खूब तेजी से बढ़ जाए, उसमें उतनी तेजी नहीं थी, उसमें उतनी गति नहीं थी।
बहुत थक गई थी, अब तो मैं बिल्कुल नहीं चल सकती। एक समय ऐसा आया कि उसने सोचा अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाऊंगी, एकदम कांपने लग गई, एकदम थक के चूर, अब तो मैं बिल्कुल नहीं आगे बढ़ सकती। फिर दूर उसको एक समुद्र नजर आया, तो उसने कहा, उसने मन में सोचा कि अब मैं तो बहुत चल चुकी, मैंने सारी दुनिया को देख लिया, बहुत लंबा सफर मैंने तय कर लिया, अब मुझे आराम करना है, अब मेरा वो घर आ गया है, अब यहीं पर मुझे समा जाना है। उसने अपनी आंखें बंद करी और धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई समुद्र में जाकर मिल गई, है ना, समुद्र में जाकर मिल गई। तो ये उसका सफर पूरा, नदी ने अपना खत्म कर दिया। शुरू कहाँ से हुई थी नदी? पहाड़ों से शुरू हुई और खत्म कहाँ पर हुई? जाकर समुद्र में जाकर जब वो मिल गई, है ना। कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी लगी। समझ में आया? अच्छा, अगर समझ में आया तो ये बताओ कि जहां से पायल नाम की नदी निकली वो कौन सा स्थान था? पहाड़ी इलाका, यानी कि पर्वतीय स्थान, पर्वतों से निकली नदी। ठीक, अच्छा। अब जहां और उनको उसको नदी को कौन से पेड़ जो थे वो टाटा कर रहे थे? हाँ, देवदार, वेरी गुड। और चीड़, वेरी गुड। देवदार और चीड़ पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? देवदार और चीड़, सुई के जैसे और शंकु आकार के, है ना। इन पेड़ों ने उनको उसको टाटा किया था। अच्छा, फिर नदी जब बड़े बड़े पत्थरों को नहीं घसीट पा रही थी, उसने वहां पर पत्थरों को छोड़ दिया था, पत्थर भी घिस चुके थे, थक चुके थे, चोट खा चुके थे, और जहां पर नदी आगे और पत्थरों को नहीं घसीट के ले जा पा रही थी, उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी, वो स्थान क्या हुआ? ये तो हुआ पर्वतीय, हाँ, ये वाला जहां पर पत्थरों को उसने छोड़ दिया नदी ने, भावर, वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। ये इलाका हुआ भाबर, और उसके थोड़ा सा ही नीचे जाकर तराई, और जहां पर नदी चौड़ी हो गई, नदी का शरीर चौड़ा हो गया, वो कौन सा भाग हुआ? मैदानी भाग, वेरी गुड। मैदानी भाग, और ये क्या था? ये समुद्र था जहां पर आकर नदी मिल गई थी। तो यहां पर जब ये नदी चौड़ी हुई तो ये भाग था मैदानी भाग। तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं पर्वतीय भाग, भाबर भाग, जहां पर रोड़े पत्थर और रुक जाते हैं और नदी आगे बढ़ जाती है, और आगे जाकर वो नदी चौड़ी हो जाती है, वो भाग हो गया मैदानी, पत्थरों वाला भाग हो गया भाबर। आज हम बात करेंगे अपने इसी मैदानी भाग की, अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या हुई मैदानी भाग की, जब आपने यहाँ पर आकर देखा कि क्या हुआ, क्या चौड़ा हो गया? नदी, वेरी गुड। मैदानी भाग में सबसे बड़ी बात है, मैदानी भाग में नदियाँ चौड़ी हो जाती है। कहीं पर भी तुम देखो तो नदियाँ तुम्हें चौड़ी चौड़ी, खूब बड़ी बड़ी, लंबी लंबी, चौड़ी चौड़ी नदी दिखेगी। मैदान का क्या मतलब हुआ? मैदान मतलब समतल, है ना, मैदान मतलब समतल, जहां पर कोई उबड़ खाबड़ जगह नहीं है, पर्वत नहीं है, हैं? और भूमि, जमीन वहां की समतल है, बराबर है, ठीक है। अच्छा, ये नदियां अपने साथ रोड़े पत्थर मिट्टी पहाड़ों से सब खींचती हुई लेकर आती है ना। बड़े बड़े पत्थर तो वो भाबर में ही छोड़ देती हैं, ठीक है, लेकिन मिट्टी अपने साथ, फिर भी पानी के साथ नदी अपने साथ मिट्टी
नदी के साथ मिट्टी रहती है, वो लेकर आती है। तो यहाँ पर वो सारी जो मिट्टी आ जाती है, तो ये चूंकि मैदान ये समतल है, यहाँ पर कोई ढाल नहीं है, तो मिट्टी यहीं पर ही जम जाती है, मिट्टी यहीं पर रुक जाती है। तो इसी मिट्टी के द्वारा ही ये मैदानी भाग बना हुआ है। तो मैदानी भाग हमारी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। मैदानी भाग किससे बना है? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। अब नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, नदी बहुत तरह की मिट्टी लेकर आती है, कई प्रकार की मिट्टी लेकर आती है, तो कई प्रकार की मिट्टियों से मिलकर ये मैदानी क्षेत्र बना हुआ है। ठीक, अच्छा, अब हम आपको मैदानी भाग नक्शे में दिखाते हैं कि मैदानी भाग कहाँ पर है। अब ये आ गया हमारा मैदानी भाग। हमने ये पढ़ा था कि भाबर का भाग जो है, भाबर और तराई का कुछ भाग उत्तरांचल में भी है और कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी है। हाँ, और पर्वतीय भाग केवल उत्तरांचल में ही है, पर्वतीय भाग उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन भाबर और तराई का थोड़ा भाग उत्तरांचल में भी है और थोड़ा भाग उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है, लेकिन कुछ ही भाग, बहुत कम हिस्सा उत्तर प्रदेश का भाबर और तराई का है, बाकी पूरा उत्तर प्रदेश क्या है? मैदानी भाग। पूरा हमारा उत्तर प्रदेश मैदानी भाग है। आप किस प्रदेश में रहते हो? उत्तर प्रदेश में। वेरी गुड। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये कौन सा भाग है? मैदानी भाग। ये भाग कैसे बना है? नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। नदी अपने साथ मिट्टी लेकर आती है, उस मिट्टी से ही ये मैदानी भाग बना हुआ है। अब नदियां जो मिट्टी लेकर आती हैं, मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ होती है ना? उपजाऊ का क्या मतलब होता है? नहीं, उपजाऊ का मतलब है जिसमें कि फसलें बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, अब हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं, अब हम मैदानी क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे उसकी नदियों के बारे में, कौन कौन सी नदियां हमारे उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। ठीक है, वेट, उसके बाद वहां पर नदियां लाती हैं मिट्टी, तो हमें कैसी मिट्टी मिलती है मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे उन मिट्टी में फसलें कौन कौन सी होती हैं बढ़िया, और फिर पेड़ कौन कौन से होते हैं। इतना आज हम पढ़ेंगे मैदानी क्षेत्र के बारे में। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पर, पहले हम आ रहे हैं नदियों पर। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग। ये देखो दो बड़ी नदियां आ रही हैं। ये है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है पूरा, ये दिख रहा है ना, ये मैदानी भाग देखो लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है? एवरीबडी कैन सी, ओके, ये मैदानी भाग है। यहाँ पर देखो दो बड़ी बड़ी नदियां आ रही हैं, दिख रही हैं? नीले रंग से नदियां बनाते हैं, बताया था ना नक्शे में कैसे दिखाते हैं नदी। एक है गंगा और यमुना, दो बड़ी बड़ी नदियां उत्तर की ओर से, ये कौन सी दिशा है? उत्तर है ना, उत्तर है, तो उत्तर की दिशा से ये नदियां मैदानी इलाके में आ रही हैं। कौन सी नदी आई?